बिड़वाल सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में दूध संघ बिड़वाल के प्रांगण में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि श्री ध्यान योगी महर्षि एवं श्री श्री 10008 श्री महामंडलेश्वर साध्वी आत्म चेतना गिरी जी गुड़गांव एवं समाज जनों के बीच में दूध संघ के प्रांगण में आयोजन हुआ। साथ ही बड़ी संख्या में समाज पदाधिकारी और समाजजन उपस्थित हुए। वहाँ पर बारी बारी कर अतिथियों ने अपना अपना संबोधन दिया। मूर्ति अनावरण के पश्चात स्कूल परिसर में एक भव्य भजन संध्या का भी आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय गायिका आशा जी वैष्णव के द्वारा भजन संध्या का आयोजन हुआ। गायिका द्वारा देशभक्ति गीतों पर और भजनों के द्वारा वहां पर उपस्थित हजारों की संख्या में श्रोताओं ने भजन का आनंद लिया और देर रात तक भजनों का सिलसिला चलता रहा, जिसमें महिला और पुरुषों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर आयोजन समिति और भजन गायिका का उत्साह वर्धन बढ़ाया। साथ ही क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन पहले नहीं हुआ, यह भी अपने आप एक सफल आयोजन की परिभाषा थी। आयोजनकर्ता श्री सरदार पटेल विचार मंच बिड़वाल द्वारा अतिथियों और गायिका का स्वागत किया गया। धार जिले के बिड़वाल से अजय पाटीदार की रिपोर्ट। आप पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों में आयोजन करती है, मध्य प्रदेश में आपने अभी बताया जैसा कि मंच से कि मैं दूसरी बार अभी आई हूँ यहाँ में, तो मध्य प्रदेश में कैसा लगा आपको? मध्य प्रदेश की जनता का मुझे बहुत ही सारा प्यार मिल रहा है। दीपालपुर में मैं पहली बार आई, वैसे राजस्थानी कार्यक्रम के लिए राजस्थानी समाज में आई हुई हूँ, लेकिन दीपालपुर में जो कार्यक्रम कैलाश विजयवर्गीय के सानिध्य में मेरे मुझे जो भजनों का प्रस्तुति का मौका मिला, वो कार्यक्रम मेरे लिए में अद्भुत था। और वही कार्यक्रम में मुझे मध्य प्रदेश की जनता का बहुत सारा प्यार मिल रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं और यहाँ पर कलाकारों का मान सम्मान भी बहुत ही सारा प्यार मिल रहा है। मैं मध्य प्रदेश की जनता का बहुत ही मेरी ओर से धन्यवाद देती हूँ। जैसा कि अभी मंच से हमने सुना, आपने खुलकर हिंदुत्व का एवं राष्ट्र का प्रचार किया, ऐसे राष्ट्र के प्रचार और हिंदुत्व के प्रचार करने पर आपको किसी प्रकार की कोई विपताएं नहीं आती? विपताएं मुझे बिल्कुल नहीं आती है और मैं खुलकर जब भी देश की राष्ट्रभक्ति करती हूँ तो मुझे अपने आप पर बहुत गर्व होता है कि मुझे देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति गाने का ये मौका मिल रहा है। और कभी मंच के ऊपर मैं डरती नहीं हूँ और कभी डरूंगी भी नहीं, देश के हित में और देश के लिए। बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सके तो कोई नहीं, लेकिन देश के युवाओं में जो देश भक्ति हम जगा पाए वही मेरे लिए बहुत है। आधुनिक युग में पश्चिमीकरण बढ़ता जा रहा है और जो देशभक्ति है भक्तिभाव है उनसे युवा समाज दूर होता चला जा रहा है, उससे इसको किस प्रकार से लेते हैं? ऐसा नहीं है, जहाँ तक मैं मानती हूँ पहले ऐसा था, लेकिन अभी लगभग ये 5 सालों में हम देख रहे हैं कि भारत के लोगों की भारत की जनता में अब वो जवाब देने का हौसला है। और वो शायद इसीलिए है कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र जी मोदी हैं, जिनकी युवाओं में जिनके लिए बहुत ही सारी नरेंद्र मोदी जी के लिए जो भावना है, तो थोड़ा थोड़ा सा डर अब जो लोगों को था वो चला गया है। अब हम खुलकर एक हो सकते हैं, हमारा भारत अब लग रहा है कि कोई भी ऐसी चीज हो तो एक साथ में आवाज़ के साथ खड़ा रहे। थोड़ा थोड़ा बदलाव मैं देख रही हूँ, लेकिन जो आधे लोग अभी भी नहीं है, जो आज की युवा पीढ़ी भटक रही है, लेकिन वो भी धीरे धीरे जैसे हमारा नया भारत हो जाएगा वैसे ही सभी लोग अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे और खड़े रहेंगे। ये कोशिश हम सभी देशवासी और नागरिक करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। मीडिया के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को बस मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि मैं भक्तिभाव के कार्यक्रम ज़्यादा करती हूँ। मैं देख रही हूँ कि इन लगभग 10 सालों में भक्ति रस लोगों में जो भगवान के प्रति जो भावनाएँ बढ़ती जा रही, लेकिन कहीं ना कहीं हम हमारी संस्कृति को इससे दूर भी होते जा रहे हैं। तो मैं समाज से ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा जो हिंदुत्व है, हम हिंदुस्तान में इस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। तो बस इस समाज में जो रहने वाले हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, सभी इस समाज को लेकर चले, हिंदू को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर चले और इसे सदियों तक आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमें फॉलो करें और यही संस्कार हम हमारे बच्चों को दे पाए, बस यही मेरा संदेश है। बीते 20 वर्षों में आपके मंडल के साथ 3 मुस्लिम वर्ग के लोग या मंच से खुला मुस्लिमों को विरोध करते हैं। मैं जब भी देशभक्ति गाती हूँ हमेशा कोई भी मंच हो, लगभग ये 9 साल से मेरे साथ ये बच्चे काम करे जो 3 मुस्लिम धर्म से मेरे साथ, मैंने आज तक देशभक्ति गाई है लेकिन मैंने कभी भी कोई मजहब के बारे में नहीं कहा है। बस हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले सिर्फ हिंदुस्तान के लिए वफादार होने चाहिए, बाकी हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं। हम तो हिंदुस्तान वाले सबसे प्यार करने वाले और प्यार से रहने वाले हैं, बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हैं।
बस